डैन कूपर एक ऐसा शख्स है जिसने अकेले ही एक पूरे प्लेन को हाईजैक कर लिया था। और हैरान करने वाली बात यह है कि FBI और बहुत सी जांच एजेंसियां इस चोर को पकड़ने के लिए 50 साल से ज्यादा का समय खर्च कर चुकी हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई भी सफलता नहीं मिली। आखिर कौन था डैन कूपर और आखिर क्यों अभी तक FBI उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाई? तो चलिए जानते दुनिया के सबसे शातिर चोर डैन कूपर की कहानी को। ये बात है 24 नवंबर 1971 की, जब डैन कूपर नाम का एक व्यक्ति काला सूट पहन के और काला बैग लेकर एक जेंटलमैन की तरह अमेरिका के पोलैंड एयरपोर्ट पे पहुंचता है और टिकट काउंटर पे जाकर पोलैंड से सिएटल तक की एक तरफा टिकट बुक करता है। उस समय अमेरिका के एयरपोर्ट पे ज्यादा सुरक्षा के इंतजाम नहीं हुआ करते थे, इसलिए डैन कूपर अपने बैग को बड़ी आसानी से प्लेन के अंदर ले जाने में कामयाब हो जाता है। प्लेन पोलैंड से उड़ान भरता है और उड़ने के कुछ देर बाद कूपर अपने लिए कुछ खाने के लिए ऑर्डर करता है, लेकिन फ्लाइट का सफर सिर्फ 30 ही मिनट का था, इसलिए ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वो अपने प्लान में लग जाता है। कूपर अपने नजदीक में खड़ी एक एयर होस्टेस को अपनी तरफ बुलाता है और उसे एक पर्ची देता है, और फिर कूपर उसकी तरफ थोड़ा झुक कर धीरे से वो पर्ची पढ़ने को कहता है। उस पर्ची पे लिखा था कि उसके पास बॉम्ब है और एयर होस्टेस को अपने पास बैठने को कहता है। इसके बाद एयर होस्टेस घबरा के उसके पास बैठ जाती और कूपर को बॉम्ब दिखाने को कहती है। तो कूपर बैग थोड़ा सा खोलकर उसे बॉम्ब दिखाता है और उसके बाद अपनी मांगे सामने रखता है। वो कहता है उसे $2,00,000 और 4 पैराशूट चाहिए, नहीं तो वो पूरे प्लेन को बॉम्ब से उड़ा देगा, और अगर उसकी मांगे मान ली जाती है तो वो सारे पैसेंजर को सुरक्षित छोड़ देगा। ये सारी मांगे लेकर एयर होस्टेस पायलट के पास जाती और पायलट कूपर की सभी मांगों को सिएटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंचा देता। ये खबर FBI और पुलिस तक पहुंच जाती है और उन सभी को पता चल जाता है कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है, लेकिन FBI $2,00,000 के बैग को 20 रुपए के नोटों से भरती ताकि बैग ज्यादा से ज्यादा भारी हो सके, और सभी नोटों के सीरियल नंबर भी तय कर लिए जाते हैं ताकि कूपर को पकड़ने में आसानी हो सके। प्लेन सिएटल पर लैंड करता है और कूपर की मांग के अनुसार पैसे और पैराशूट मिलने के बाद वो अपने वादे के मुताबिक सभी 36 यात्रियों को प्लेन से सुरक्षित उतरने देता है, लेकिन अभी भी प्लेन में 2 पायलट, 1 फ्लाइट इंजीनियर और 1 एयर होस्टेस को रहने के लिए कहता है और प्लेन को मेक्सिको के लिए उड़ान भरने को कहता है। उड़ान के दौरान पायलट बताता है कि प्लेन में मेक्सिको पहुंचने जितना ईंधन नहीं है, तो कूपर उसे प्लेन को रीनो नेवाडा की तरफ ले जाने को कहता है और प्लेन को 10,000 फुट की ऊंचाई और 185 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कम उड़ाने को कहता है। कूपर बचे हुए सभी पैसेंजर्स को कॉकपिट में भेज देता है और अंदर से दरवाजा बंद करने को कहता है। 8 बजे के करीब एयर स्ट्रेस खुलने के कारण कॉकपिट में वार्निंग लाइट जलने लगती है और डैन कूपर पैसों और पैराशूट को लेकर प्लेन से कूद जाता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। कूपर के प्लेन से कूद जाने के बाद प्लेन रीनो एयरपोर्ट पे लैंड करता है और प्लेन को पुलिस और FBI द्वारा चारों तरफ से घेर लिया जाता है, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें पता चल जाता है कि डैन कूपर भाग चुका है। इसके बाद प्लेन के अंदर छानबीन की जाती है जिसमें कूपर की टाई का क्लिप और मंगवाए गए 4 में से 2 पैराशूट मिलते हैं। कूपर बाकी के सभी सबूत अपने साथ ले जाता है जिसमें उसके द्वारा एयर होस्टेस को दिया गया लेटर भी शामिल था। कूपर को पकड़ने के लिए FBI और पुलिस के द्वारा खोजबीन चालू कर दी जाती है। आंखों देखे गए लोगों के द्वारा कूपर का स्केच भी बनवाया जाता है। कूपर जहां पे कूदा था उन इलाकों में बहुत से किलोमीटर तक जंगल और नदियों में कई महीनों तक खोज चलती है और बहुत से घरों की छानबीन भी की जाती है, लेकिन कूपर और उसके पैराशूट के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। कुछ ही दिनों में डैन कूपर पूरी मीडिया में छा जाता है। बहुत सी छानबीन के बाद जब कूपर का कुछ भी पता नहीं चला तो लोग मानने लगे कि लैंडिंग के दौरान कूपर की मौत हो गई हो, पर उसके मौत का भी कोई प्रमाण नहीं मिल सका क्योंकि ना कूपर की लाश मिली थी, ना पैसों का बैग और ना ही पैराशूट कभी मिल पाया। लेकिन घटना के 8 साल बाद 10 फरवरी 1980 को 8 साल के बच्चे को कोलंबिया के नदी के किनारे परिवार के साथ लकड़ी इकट्ठा करते हुए रेत के नीचे दबे हुए 20 के नोट के 3 बंडल मिले। बहुत सालों से रेत के नीचे दबे होने के कारण नोट खराब हो गए थे, पर बीच के कुछ नोट अभी भी सुरक्षित। जब ये नोट अधिकारियों को दिए गए तो अधिकारी तुरंत इन नोटों के सीरियल नंबर को पहचान, ये वही नोट थे जो कूपर को दिए गए थे। इस घटना के बाद कूपर के केस में फिर से तेजी पकड़ने लगी। ये नोट यहाँ पर कैसे पहुँचे इस पर बहुत विवाद हुआ। किसी का कहना था कि कूपर ने फिरौती में मांगे नोटों का इस्तेमाल कभी नहीं किया, और कुछ का कहना था कि उसने उन नोटों को कहीं पर छुपा दिया होगा, और किसी का कहना था कि पैराग्लाइडिंग के समय नोट के कुछ बंडल कूपर के बैग से गिर गए होंगे। ऐसी बहुत सी कहानियां बनाई गई, पर इस घटना से कूपर का कुछ भी पता नहीं चल पाया। लेकिन DB कूपर की हाईजैकिंग के बाद उनसे जुड़ा ये पहला सबूत मिला था। DB कूपर के इस केस के बारे में साल साल बहुत सी छानबीन होती रही, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया, और आखिरकार हाईजैकिंग के 45 साल बाद 2016 में इस केस को FBI को द्वारा बंद करना ही पड़ा। आपको क्या लगता है डैन कूपर का क्या हुआ होगा प्लेन से कूदने के बाद? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।